वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। मैं हूं मिसिस भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईट फिट कुकिंग। आज मैं लाई हूं आपके लिए चिकन बिरयानी। और इसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, ये मैं 1 किलो चिकन की बना रही हूं। ये चिकन में मैंने ना थोड़ा सिरका लगा के ना इसको रख दिया है, 1 टेबल स्पून सिरका लगाया हुआ है। ये 4 टमाटर है मेरे पास जिसको मैंने चॉप कर लिया हुआ है। ये मेरे पास 4 अदद प्याज है जिसको मैंने काट लिया है। 1 प्याली दही है इसमें, और ये जाएगा लहसुन। ये लहसुन भी मैंने आधी प्याली ली है, इसमें ज़्यादा जाएगा। अदरक भी इसमें ज़्यादा जाएगा। ये अदरक मैंने 2 गंडियाँ ली हुई है। ये कड़ी पत्ता है मेरे पास फ्रेश, ये मैंने इसकी पत्तियाँ ली हुई हैं कोई, ये भी आधी प्याली है। और ये मेरे पास पुदीना है, पुदीना जाएगा इसमें 1 प्याली पुदीना है। कलर जाएगा ये जो मैंने दूध में मिक्स करके रखा हुआ है। और इसमें हरी मिर्चें जाएंगी 10 अदद। और ये लेमन है मेरे पास जिसका मैंने छिलका उतारा हुआ है, बीज निकाले हुए हैं। और ये आपने पीस करने हैं, इसके पीस करके आपने ये रख देने हैं और ये डालने हैं। इसमें जाएगी इमली, ये थोड़ी सी इमली रखी है मैंने। और इसमें जाएगी ये हल्दी 1/2 टीस्पून, ये ब्लैक पेपर है 1/2 टीस्पून, और ये जो मेरे पास तिक्का मसाला भी जाएगा 1 टीस्पून। ये लाल मिर्च है ये भी 1 टीस्पून। ये मेरे पास सूखी मेथी है ये भी 1 टीस्पून। और ये मेरे पास जो है नमक है ना, ये भी जाएगा 1 टीस्पून। और मैंने जो चावल जो है ना, चावल मैंने एक कनी बॉयल करके रखे हुए हैं। इसमें मैंने गरम मसाला डाला हुआ है, सौंफ डाली है, सूखा धनिया, ज़ीरा, छोटी इलायची, सबस, और ये सारा कुछ डाल के ना मैंने इसको ना बॉयल करके रख लिए। चले अब हम स्टार्ट करते हैं। डेढ़ कप मुझे ना इसमें ऑयल चाहिए, इसमें ऑयल भी ज़्यादा जाएगा। चलें ये स्टार्ट करते हैं। प्याज को हमने पिंक नहीं करना, बस ये थोड़ा सा नरम होता है तो हम इसमें ये जब डालेंगे चिकन। प्याज हमारा नरम हो गया, अब हम इसमें चिकन डालेंगे। ये जितने मैंने चावल लिए किलो के हिसाब से किलो ही आपने चिकन डालना है। जितने आप चावल लेंगे उतने ही आपने चिकन लेना है। अगर आपके 1.5 किलो चावल हैं तो 1.5 किलो चिकन जाएगा, और अगर किलो है तो किलो चिकन जाएगा। अब हमें इसको अच्छी तरह भूनना है। जब तक ये चिकन का पानी खुश्क नहीं हो जाता हमें इसको भूनते रहना है। चलिए भून के 5 मिनट बाद आते। अब मैं इसमें लहसुन और ये अदरक डालने लगी, इसमें लगा अदरक जाएगा, साथ अदरक डाल दीजिए। इसको भी महंगी अच्छी तरह अदरक लहसुन को अच्छी तरह भूनना है। ये साथ ही हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे।
ये फ्रेश कभी पता है मेरा जो मैंने फिश किया हुआ। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। पहले टमाटर डाल के अच्छी तरह भूनेंगे इसको, जब तक टमाटर का पानी खुश्क नहीं हो जाता, उसके बाद मिलती है दोबारा आके। अभी इसमें पानी निकला है टमाटर का, ये पानी हमें खुश्क करना है, पूरा पानी खुश्क करना है। ये पूरा पानी खुश्क होगा तो फिर हम कुछ और डालेंगे इसमें। ये मैंने चापर में चाटी है टमाटर, इसलिए इसका पानी निकला है और पानी इसका खुश्क करना है हमने। चलें जी देखते हैं पानी खुश्क हुआ है तो नहीं। ये नहीं जी, पानी काफी ज्यादा खुश्क हो गया। अब हम इसमें स्पाइस डालेंगे। अब हम ये इमली और ये सारे स्पाइस डालेंगे इसमें। साथ हम ये डालेंगे हरी मिर्चें और साथ ये डालेंगे लेमन जो हमने पीस किए हुए हैं। अब हम इसको भुनेंगे अच्छी तरह। अब अच्छी तरह भुनाई करनी है इसकी। पांचवी भुनाई करनी है। ये इस तरह जब भुन जाएगा तब हम बताते हैं। अभी हमने दही भी डालनी है इसमें। अब ये हमारा भुन चुका है, अब हम इसमें दही डालेंगे। ये दही डालेंगे हम। अब दही डाल के इसको भूनेंगे क्योंकि दही का पानी निकलेगा और ये पानी में सारा मसाला जो है ना ये अच्छी तरह पक जाएगा। ये हमारा मसाला भून चुका है। ये देखिए नमक आप चख लें, इसमें नमक ज़रा पड़ता है। अब मैं इसको दम लगाती हूँ, तय लगानी है। तय लगाने के बाद दम लगाना है इसको। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमारा कितना अच्छा मसाला तैयार हो गया। ये हमारा ऊपर आ गया। हम ये तय लगा रहे हैं चावलों की। ये देखें जी, ये मैंने अपना तय लगा दी है। अब हम इसमें पुदीना डालेंगे साइड में। ये पुदीना लगाया है। अब हमने ये दूध में कलर मिक्स किया है, अब ये डालेंगे। ये हमने दो चीज़ें, जहाँ हमने ये चिकन नहीं डाला उधर नहीं डालना। चले अब हम इसको दम लगाते हैं, फिर दम के बाद डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। ये देखें जी, हमने ये दम लगाया है। ये दम लगाने लगे हैं हम, पौने को गीला करके ना हम इसके ऊपर दम लगाते हैं। इसको 5 मिनट रखेंगे, 5-6 मिनट ये दम लग जाएगा। चलें फिर थोड़े 5-10 मिनट बाद मिलते हैं आपसे। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा कितना अच्छा दम लग गया है। ये हमारी बिरयानी तैयार है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अभी मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये ले जी हमारी मज़ेदार सी बिरयानी तैयार है।
आप मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। और मेरी जो आज की टिप है, सॉरी मैं ये बताना भूल गई, मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने पहले आपको बताया जो धनिया है वो फ्रिज में कैसे रखना चाहिए ज़्यादा देर तक, वो मैंने आपको बता दिया कि वाश करके धोना है, धो के रखना है, लेकिन सॉरी धोना नहीं है उसको, सिर्फ उसकी जो गंदी डंडियाँ हैं वो निकाल के काट के किसी प्लास्टिक के जार में नीचे आपने टिश्यू रखना है, ऊपर आपने धनिया काट के रखना है। धनिया काट के वो टिश्यू में रखना है आपने, फिर उसको बंद करके आपने फ्रिज में रखना है, फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना। चाहे 15 दिन यूज़ करें, महीना यूज़ करें, वो वैसे का वैसे ही रहेगा और हरे का हरा रहेगा। शुक्रिया।